बस ठीक है, कौन बस इल्तमास दुआ बरे हुज्जत खुदा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वल अलीयुल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा कुल वलीयकल हुज्जत इब्ने अल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला अबाइही फ़ी हाज़िहिस साते व फ़ी कुल्ले सात मिन सातिल लैल व नहार वलियन व हाफिज़न व कैदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्कनहु व रज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल असर व ज़मान अदरिकना व ला तुहलिकना बिहक़े जद्दत का सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। सलवात पढ़ी करो सैन दी इज्जत अल्लाहुम्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। या काशिफुल करबे अन वजल हुसैन अलैहि सलाम। इक्शिफ करबी व करबल मोमिनीन बेहक्के अखीकल हुसैन अलैहि सलाम। या बाबुल हवैज या हिजाबा उमुल मसाइब अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। अल्लाह इबादत कबूल फरमा, मोमिनीन दे नेक इरादे पूरे फरमा, जो मरीज़न शिफा अता फरमा, कैदियों को रिहाई अता फरमा, चौदान दे मन्नन वालों की हिफाजत फरमा, बानियान जितना खर्च किते कबूल फरमा, बानियान दे मरहूमीन दे दर्जात बुलंद फरमा, सही रहो कबीर गुनाह माफ़ फरमा। मेरे मालिक कायनात जितने मोमिन मरीज हैं शिफा अता फरमा। अतहर इलाही मेरे मालिक उन्होंने कुसीत कुली अता फरमा। बैवी कोई मोमिन मरीज इन तो मालिक तरस फरमा। मेरे मालिक जुमला हाजरीन मोमिनीन दिया नेक दुआ पूरी फरमा। सैयदाद सदका में वती दुआ मंगदा पिया, बानियान जितना खर्च किते कबूल फरमा, इन्हों को अजर कसीर अता फरमा। कोई आवन वाली तकलीफ़ हैं तो जिक्र द सदका दूर कर छोड़ो। लखा दी हिक्का दुआ ए वारिस तो जहूर फरमा, ज्यारत दे काबिल बना ज्यारत तो मुशरफ फरमा। दुआवां दी कबूलियत वास्ते सारे हजरात मिल के सलवात पढ़ो। सलवात जिमें पढ़नी चाहिए है, रमज़ान शरीफ है, सलवात कोई नहीं वे पढ़ते पर दूसरा तवज्जो है बाबा। मालिक जिंदगी करे भाई रावल दे बुजुर्गों का सह सर तक मुजायम हो, उन्होंने कुछ होर आखे लेकिन मैं आखे भी मुनासिब नहीं, क्योंकि अयामिन मेरे मौला अली दे मतलब गुना आखे भी जिमें मुनासिब है। मुनासिब में इवें समझे जिस सरकार दे अयामिन उन्हां दा जिक्र कीता वञे। कायनात सिर्फ मेरा अली अलैहिस्सलाम है जिंदा नाम चाहो तो खत्म कुरान दा सवाब है जी। बिस्मिल्लाह भी ये कोई ना कोई नहीं, कायनात सिर्फ मेरे पहले इमाम दा ना है। ना चाहो तो खत्म कुरान, या अली आखो तो खत्म कुरान, मेरा चीवा कप है फरमैंदन खत्म कुरान नहीं, मैं इमाम प्यादा 16,000 खत्म दा सवाब है। जड़े बंदे बोल पे हो बिस्मिल्लाह, जड़े नहीं बोले जी बिस्मिल्लाह। मैं फिर आख देना भी 16,000 खत्म। अगो मेरा आका पे फरमैंदन 16,000 खत्म ओ नहीं जो कोई पढ़े, फरमैंदन 16,000 खत्म ओ जेड़ा बिस्मिल्लाह तो वन्नास तक मैं इमाम पढ़ा। मेहरबानी जनाब, मेहरबानी सर, तवज्जो है बाबा। मैं खुद हुज्जत खुदा दा पढ़ा होया खत्म 16,000 कितना सही, 16,000 तो इमाम आके अगू है रमजान इतना वत ही एक दा लख है, इतना कंप्यूटर ही मुकवे सी, कोई सुन दे पाओ या नहीं जी। बिस्मिल्लाह कितना सवाब है मेरे मौला दे नाम चवण दे, हाजिर बैठी हो या नहीं। मैं कुमाला दी कसम है हिक बह कुछ ना अली वाले मिले करो ना खुश थी के मिले करो। भई कोई गाल करनी होवे या न करनी होवे, भई गाल भावे न कराए, जितना भी अली वाले मिलो हिक बह को गल आके ये गल जरूर आके करो यार, के खुश नसीब है सारा अली इमाम है।
मेहरबानी जनाब जी बिस्मिल्लाह जी। और ये तो मंजिल ते पता लग सी ना सही कौन कामयाब मेरे मौला पे फरमेंदन अली तू यार तवज्जो है बाबा जी बिस्मिल्लाह जी। खत्मे कुरान मेरे मौला अली से बोलो ये दो हदीसा मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ सरकार दी रहमत कुल जितना रहमत कुल दी गल आवे यकीन कीता करो ये रहमत कुल दी गल नहीं ये खुद अल्लाह दी गल है भी हजूर दी जिंदगी का कोई अमल इहो जिहा नहीं जिहड़ा अपनी मर्जी नाल कीता हो बल्कि मैं इतने तक ही आख सकदा जो कहीं को बल कोल वाला है ने ताई उंदी मर्जी नाल कहीं को भजा छोड़ा ने ताई उंदी मर्जी नाल जो कहीं दा हथ नब के ऐलान कीता ने ता भी उंदी मर्जी नाल तवज्जो है जा नहीं इतने बोला कर कोशिश की थी कर जिथों वास्ते मैं आदर आंदा तेरी जबान बनी वास्ते मस्जिद बोल जा मजलिस बोल ये तेरी जबान का जायज इस्तेमाल है हाजिर हो रहमत कुल पे फरमाते हैं ये जड़ा मेरा भरा अली है ना वो दुनिया वाले सुन के नोई को सिर्फ मैं जानता या मेरा अल्लाह बस मुक गई गल सही भाई सीम गल मुक गई हजूर मुका दी थी फरमाए बस मैं जानता या मेरा अल्लाह यह गल जनाब सलमान फारसी की थी एक बंद ढेर सारे बंदे हैं हूँ नहीं हूँ इन्हें ढेर सड़ते हैं अच्छा एक ना जामपुर वाले सोचा वे भाई अली मौला कोल बंदे ढेर सड़ते क्यों हैं मैं कुमाला दे पाक मेंबर दी कसम मेरे आका दा फरमान है बंदे उंदे कोल ज्यादा सड़ते हैं जिंदी इज्जत ज्यादा हो मेरे मौला अली दी इज्जत इतनी थोड़े वास्ते मेरे आका पे फरमाते हैं जिंदे दुश्मन कोई नहीं अपने आप को बंदे ही ना समझे दुश्मन होंगे होंगे जिंदी इज्जत होंगी सलमान फारसी में मस्जिद चु निकले ना मस्जिद नबी दे विचो सामने बंदा आंदा पिया पुछे भाई हजूर बैठे हैं ओके जी बैठे हैं नाल कौन कौन बैठे हैं उन्हें पांच सात बंदा दे ना गिन सकते इमे इमे पढ़ना चाहिए ते मौला अली अलैहि सलाम दा ना सके ई सारे बैठे नो के आज एक बंदा है जो को मैं ना जानदा बंदा मुतमइन थी कि आया भाई हूँ मौला अली का ना तो चाया कोई नहीं तो हिन नहीं कोई ना मुतमइन थी कि तीवें गेट के अंदर कदम रखा तो करंट लगा मौला तो दीद पी ना बस पिछे बही गल तो कोई नहीं बनती वह तुथों आके तुस आ दे सलमान सच्चे ये सच्चे का हाल है मौला फर मैं क्या आख्या जी ये अली को नहीं जानता मैं को आख्या फलां 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 बैठे न ठीक भी है जो को मैं ना जान सरकार मैं सड़ोकू वो आ गया सलमान क्या आखी इतने आखे जो मैं ना जान किसी मैं कद आखे तुस आखे तो तुसा आप पे फरमाते हवे भाई अली को मैं जानता या मेरा खुदा जानता है मौला तुसा आप फरमा न मैं मुहम्मद न मैं अल्लाह मैं को क्या पता है जो अली कौन है जना सलमान फारसी जी हस्ती आखे मैं नहीं जानता तू कौन है ते मैं कौन हूं नाराज तो नहीं थी क्या जनाब मेहरबानी जनाब थक तो नहीं गया जी सरकार फरमाते हैं मैं जानता या अल्लाह जी बस खत्म ये तो उत्ते कोई गल बची है तेरे साथ जो हजूर आख दिता बे मैं जानता या अल्लाह जान दे अगू गल वधण की लोड़ ही नहीं
ਅਗੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਈ ਬਈ ਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਪੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਦਰਖਤ ਕਲਮਾ ਬਣ ਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸੇ ਹੀ ਬਣ ਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਇਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ ਇਨਸਾਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ जिन इंसान फरिश्ते लिखण वाले होवन दरख्त कलमा होवन ये समंदर सियाई बन वन मेरा मौला फरमाए सियाइया मुक सकदियां कलमा त्रुट सकदियां लिखण वाले थक सकदे न मैं मुहम्मद भी आदा मेरे भरा दी शान लिख नहीं सकदे। मेहरबानी सही जिदा हजूर आखरी ते जातवत कलमा छोड़ दे को मनना उंदी निशानी ही है जे को मनो उंदी मनो। मैं कुमौला दी कसम कोई बंदा मेरे देखने च मैं तो नहीं प्रॉपर गंडा ज्यादा थींदा और तुसा ये देखो एडा वड्डा कूड़ स्पीकर ते कूड़ चलदा पे बंदे कूड़ मरे ने चलो साइड ते थी के चुंडी थी के कूड़ मारे स्पीकर ते कूड़ ये आदे ने जी ये चौड़ा खुदा है कहीं आके खुदा दब जेड़ा बंदा चौदह को अल्लाह मनेंद है तू मैं को दसा ओ ला इला इल्लल्लाह क्यों पढ़ दे अभी चीज का सबूत है नहीं लेकिन इतनी गल याद है असं चौदह को अल्लाह ही नहीं मनेंदे चौदह को अपने जी ही नहीं मनेंदे असा चौदह को इवें मनेंदे हैं खालिक ते मखलूक दे दरमियान इच बेहतरीन वसीला चौदह जड़े बंदे जागते पे हो जो पिछा डे दे बंदा सोचें मैं थक गया बंदा पूरी तवज्जो नाल डेदा बैठा हो तो पता लगता पे सुनी ना पे तवज्जो है कैनात कोई बंदा इो जो मैं को लिखा जितने वे कोई लिखारी है जडे कोई लिखसी अपने लिखे पकड़ी वैसी एक बंदे दी चोरी पकड़नी होवे ना मुख्तलिफ मौजूआ किताबा गिन भाई किताब अपनी नफियाब कर वैसे बोलो इवें मैं चनियोट रोड चनियोट सरगोदा रोड से वेंदा पियम सामने पेट्रोल पंप ते लिखा खड़ा हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है इवें मगरब नहीं है ना दिलाई दीवार के उत्ते वड्डा सारा वो जिते पी एस ओ लिखा खड़ा उन्हें उन्हें तले लिख लिख लिखा खड़ा ही बड़ा सोहना करके भी हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। मैं कुछ रोला न पोवया तो मैं लगा वजा मोटी कलम ना तले लिखा भाई तुम्हारे लिए अल्लाह जो काफी है तो फिर पेट्रोल पंप क्यों लगवाया है। इतुसा दिठो सी बंदे मंगण वाले रोड ते बैठे होंदे अच्छा मंगण वाले जमपुर तो राजनपुर तक कराची तो पेशावर तक हर जहा नहीं बंदे मंगण वाले जहा देख के बंदे स्पीड ब्रेकर होवे सड़क त्रुटी हुई होवे तो जो सही भाई सड़क त्रुटी हो सी यकीनन जंप दी वजह तो खड़सन मत खड़सन तो साकी काश देसन जुमला मैं आता पिया मैं रिवायत पढ़ रही हूं मैं जाकरी नहीं कर खुदा दा बंदा जाकरी बही होंगी रिवायत बही होंगी जाकरी होंगी वह जी रिवायत के मुताबिक होवे जड़ी रिवायत तो हटके हुए जाकरी नहीं होती ये जाकरी है जड़ी मैं करें खड़ा किताब च हो सी नहीं तारीख ही में है जे मैं खड़ा पढ़दा भाई वो जड़े बंदे बैठे न मंगण आले वो दे दे पैन भी जंप पे स्पीड ब्रेकर है इतना खड़ सन तो साको दे सन जागदा बैठे तो मैं को सवाल का जवाब दे नहीं बोल सकता तो चुप कर तू मैं को जवाब दे स्पीड ब्रेकर का वसीला बना के मंगना शिरक नहीं अली को वसीला बनावना किया शिरक है मेहरबानी जनाब बाबा
जी जी अच्छा यार त्रुटि होई सड़क वसीला बना बना खैर है मौला अली को वसीला बना बना शिरक है वजह है असा जो 14 हुक्म मनेंदे उनको अल्लाह नहीं मनेंदे अमल तो दारो मदार नीयत ते होंदे तवज्जो है सही थोड़ी तवज्जो को नहीं मेरे सिर्फ इो कुछ है भी मेरे देखो बस अगली कोई गल नहीं अगर थोड़ी अख मेरी अखी चो सी मैं मुतमइन हो सी ते नाल थोड़ा थोड़ा इवें चक्कर सो तो वाद मुक गई मैं पता लग सी भाई सुन दे बैठे तो समझे ही बैठे इवें बंदा करे पता लगता भाई सुन दे बोलो तो मैं जिक्र वो करें पियाँ जोड़ा जिक्र सुनने वास्ते तुसा घरों टुरे वे मैं कोई बही गल कर वत ना सुनो जल जिक्र ही वो जिंदे वास्ते तुसा टुरे वे तवज्जो है जी भी सुना मेरे मौला फरमाते दू गाली दा मैं को वड्डा अरमान है जितना इल्म है पूछे ही कह नहीं जेड़ा सखी है मंगे ही कह नहीं हुजूर प्यार दिन दरख्त कलमा बन वंजन समंदर सियाई बन वंजन लिखण वाले जिन इंसान फरिश्ते होवन ते मेरे बेरा दे फजाइल नहीं मुकदे हुण मैं सारे मैं तो ना पढ़ सकता हुजूर प्यार दिन मुकदे ही नहीं मेरे मौला दे फजाइल इतने मैं तो एको जुमला ही सुनावणा है वो जुमला जनाब दे हवाले कर रहे हां तवज्जो है यो जुमला वलाद दोहराए सा इंदा लुत्फ किन सो तुसा ये खैबर दे फौरन बाद जंग की थी मेरे मौला ये जड़ी 70 रोट दी कतार मेरे मौला दीती ओ नबी ने को माफ करना मैं को मौला दे पाक मिंबर दी कसम है 70 रोट नहीं 400 उठे पर ले आक्सन भाई अगे 70 नहीं पचदा 400 नसी खड़े किताब लिखावना मेरा काम है मनना ना मनो तेरी मर्जी की गल है नजम शाह केड़ी गल है लोग अली कोई नहीं मनेंदे तवज्जो है या नहीं मैं को मौला दे पाक मिंबर की कसम है जेड़ा बंदा अली अलैहिस्सलाम को नहीं मनेंदा मैं को मौला दे पाक मिंबर की कसम जेड़ा अली को न मने अली मौला दी जात इज्जत च एक रही दे दाने जितना फर्क नहीं आंदा ते जेड़ा बंदा अली को नहीं मनेंदा ओ बंदे दा कख नहीं रहंदा जेड़ा सखी हम मंगा कहने ये 70 नहीं 400 उठ ये 400 उठ जेड़ा मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने दिते ई जंग मेरे मौला कल्ले सिर ते लड़िए इन विच कहे दा कोई वास्ता नहीं क्योंकि कसीदे मिसरे नाल यो आखरी पढ़ा वेंदा जुमला खड़ा ही ना बिना त्यों मंगी रोटी ते थाई इथों पढ़ा वेंदा मैं थोड़ा जा अजा पूरी तफसील नहीं पढ़ सकता इमें थोड़ी जी तफसील एक खैबर दे फौरन बाद तवज्जो है मरहबदा चचा जात भाई है ना जेंदा खशा में मरहबदा बदला घिरन वास्ते खैबर दी जंग तो बाद तुर पिया मदीने तो कुछ फासले ते आके डेरा लाया ढेर सारा काफला इंदे नाल एक हरन भेजा जेंदे गल च खत आई रहमत कुल और उले राम हुज्जत खुदा यार इमाम दा बाबा मेरे मौला तशरीफ फरमाए मदीने दे बारू मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने डिठा हरन को हरन दे डिठने ते वत सारा दो देख कदन को हे जेड़ा हरन को नपे जनाब कंबा रखे मैं सही फरमाए वन घोड़े ते चढ़ पिया कमंद चाया उको पकड़न वास्ते सही फिर मैं त्रै कमंद पावे अगर चौथी दफा तक कमंद सट्टा तवत मिलसू त्रीजे दी किताब दी 17 खड़ा पड़ता वो आके जी ठीक है बार हूँ कमंद सट्टा जी वो पकड़न वास्ते वो विचों एक किस्म का जाल ही उन्हें विचों निकल गया जी मतलब यह सट्टा निकल गया त्रीजा सट्टा बजना में कमर डिठा भी हिरन तक गया जी चौथे ही सट दिता बाबा कमंद सटेंदा आया था
घोड़ा दौड़दा या तो सीधा खशाम दे खैमे दे दर ते आकड़ा खशाम निकला जनाब उन घोड़े दी लत्त कट लीतिया तो जनाब कंबर दे हाथ बन के खई सट दिता। इतरे दिहाड़े जनाब कंबर उत पै रहे ये जेडे वाह वाह दे बैठे क्यों आते बैठे इन्हें मेरी सुनिए तो वाह वाह दे जेड़ा नहीं सुनता वो नहीं सुनता जी। त्रे दिहाड़े उत पै त्रीजे दिहाड़े मेरे मौला फरमाए ना वह त्रीजे दी मिल सुन मेरा आका अली अलैहिस्सलाम त्रीजे दी टुट पे किताब लिख दे मेरे मौला उन्होंने जिते खैमे लगे उन्होंने थोड़ा जे फासले ते बन के मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने नमाज शुरू कर दी थी क्यों जागते पे हो या नहीं तफसील च नहीं बजना चाहता और हर गल मिंबर ते होंदी नहीं। हुण मैं आखा जी मैं किताब ही पढ़े सुनो किताब अपनी जाते मिंबर अपनी जाते कुरान कुरान ही पढ़ सकते हो अगर कुरान कुरान है तो हर जाते पढ़ सकते हो तो वत क्यों हुक्म है जो सूरह यूसुफ की तफसीर बेटियों के सामने न करो नाराज थी गए हमारे ख्याल जब कुछ समझ नहीं वाला थोड़ी देर बाद सोचा है सूरह यूसुफ की तफसीर बेटियों को न सुनाओ हाजिर हो हूँ जेडे लफ्ज छोड़न दे छुड़ेंदा पिया बाहर हाल मेरे मौला ने खशाम नाल जंग की एक कतल किया इन्हें नाल ढेर सारा काफरा मेरे मौला फरमाया जेड़ा जेड़ा वंजना चाहता वंजे जिडे वंजना वंजो मेरे कैदी नहीं तुम वंजो ढेर सारे बंदे बिच हैं तो ढेर सारे तरीक़ा नाल आए वे हैं मेरे मौला ने उन्होंने भेज दिता जिन्हें ये रिवायत पढ़ी उन्होंने पता हो सी मैं कितों गुजरता पिया। हाँ जी वो लगे गए सरकार ने कंबर को आजाद किया तो 400 ऊंट दी कतार दी रस्सी दिती कंबर दे हथे जेडे चुप बैठे होंगे कहें हिस्सा आई बोलो मेरे मौला कल सिर ते लड़े 400 ऊंट दी कतार कंबर दे हथे च महार ते अगली गल तेरे बच्चे जानते ना अगू खड़ा एक नाबीना ते वो आखे भुख खा गई है सरकार फिर मैं जल्दी कर रोटी दे भाई क्या कह नहीं रोटी रोटी दे वहां कैसे उठा तो हूँ मैं सारा का वाकिफ था ना मिले हुने हैं तो हूँ पता नहीं भी दस्तरखान सरकार फिर मैं अच्छा जल्दी कर उठ चढ़े जड़े बंदे जागते पे हो अपने नसीब दे उते खुश थी कर खुदा दा बंदा मैं कुमौला दी कसम है मेरा मौला फरमाए इंतजार न कर जल्दी कर कतार दे अली इतनी देर कढ़ाने की थी मेहरबानी जनाब मेहरबानी तवज्जो है नारा रमजान दे हवाले नाल ठीक है रमजान होवे ते दीगर होवे ते नारा इवें होना चाहिए लेकिन जिवें मौला दा ना सोना है ते वत 16,000 खत्म ते वत अगू एक दा लख ते वत भी बंदा मौला दा ना मरीजां कुछ आवे ते पिछे जाकिर को कावड़ ते लगनी चाहिए मेहरबानी जनाब तवज्जो है उस क्या कह सही उस आखिर रोटी सरकार फिर मैं जल्दी कर कतार दे जय बंदे दीदी मेरे पास है वलाम एक साहब है वो मंगी क्या है भुखा दबी मंगण आला सही रोटी है देवण आला ही एक रोटी चले वे तो ये बंदा रज वेंदे बोलो चुप कर गए तो मैं अगली गल चले सा दू चीज़ा बंदे दे वस चिन बंदे दे हाथ चिन नींद्र ते रोटी अपने आप को जिमें आदि करें उ नथी में मैं हुसैन दा जाकिर ही नहीं तू चाहते जो मैं 4 बजे रोज उठा 4 दिहाड़े अलार्म ला 5वें दिहाड़े लावना पवे मैं हुसैन दा जाकिर ही नहीं लेकिन अलार्म वो लैंदा जेड़ा उठे
बोलो चुप कर गए हो तो फरमान सुना देना ते फरमान हे वड़ा औखा अगे मैं एक दफा इलाके पढ़ा हे मेरे खले डेरे शायद मैं सुने थे अज इतने सुने था पियो मेरे मौला फरमाते हैं सारे तर्जमे गलत किए गए ये जी मलंग जड़े होंगे ने निशाई होंगे तो बेहोश पे होंगे ये कें आख है ये मुला आख है ये मुला आख है तो इमाम क्या आख है चुप करें भाई नहीं बोल सकता चुप रहे मेरे मौला पे फरमाते हैं जेड़ा सारी रात जागे वो फकीर होंगे खुदा का बंदा जेड़ा सारी रात जागे नहीं कुतो समझे तू आते नहीं चाहिए सही पे फरमाते हैं जेड़ा सारी रात मुकम्मल फरमान सुने लगे जेड़ा सारी रात जागे वो फकीर होंगे जेड़ा सहरी वाले जागे वो अमीर होंगे क्योंकि सहरी वाले रिस्क वंडी है जेड़ा वंडी जाने वाले उठद ई करें तो मिल तपोद तो वजह है ये तो मेरे मौला ने दसाए जो केड़े वेले वंडी है मजलिस अज है तो तू कल वादा पुछद मैं सुन कि दी वत टाइम ते आसे टाइम ते बासे टाइम ते सुन से नहीं तो नहीं ये रिस्क वंडी जिन्हों को पता ही है तो इमाम का फरमान है तलुए सहर तो घिन के तलुए आफ्ताब तक रिस्क दे वंडी जन का वक्त है वंडी जाने ले उठा कर कहें मोहताज होवें तो मैं हुसैन का जाकिर ही नहीं जेड़ा सारी रात जागे फकीर होंगे जुमला पढ़ने वा सही फरमाते जेड़ा सारी रात जागे वह फकीर होंगे जेड़ा सहरी वाले जागे वह अमीर होंगे जेड़ा ग्यारह बजे जागे वह खनजीर होंगे क्यों सुनते पे हो या नहीं मैं सैयद होके ते हथ बन के पिया दा नमाज को हकीर न समझे मेरे आका दा फरमान है अमल दे भरोसे ते सारी मोहब्बत को न छोड़े सारी मोहब्बत दे भरोसे ते अमल न छोड़े भाई बा मोहब्बत है तो की अमल करने मोहब्बत की है अमल होंदा ही होंदा है जो मोहब्बत होवे अल्लाह दी बारगाह विच हुंदा अमल कबूल है जिंदे दिल चौड़ा वसदे ने गल मुका दे ना भाई तवज्जो है उसके मंगिए रोटी मैं के समण अगर तू दू चार दिहाड़े को मैं दुनिया तीयो जे बंदे डिठन जेड़े 24 घंटे से दू घंटे समदे बिल्कुल ठीक है एक मजलिस में नींद ते पढ़ता रहना मेरे अजीब मौजू आते उन भी जनाब सलमान फारसी पे आदेन अल्लाह सयाम मैं को ना अखी को बचावे जिन्हें चो नींद ढेर है जिन्हें थोड़ी वाह वाह की वो तो चुप रहो तो जड़े असल चुप बैठे हो मैं दसो ये तो सलमान फारसी का नींद के मुतलिक हुक्म है कि अल्लाह उन्हें अखी को बचावे जिन्हें चो नींद ढेर है अगू उले अमर हुज्जत खुदा या रहमान मंद बाबा मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम नींद के मुतलिक क्या पे फरमाते हैं मेरे मौला पे फरमाते हैं मोमिन कबारी जो थोड़ा समणे जो ही दुनिया से समणा चाहते हैं क्यों समझ आइए या नहीं मेरे आका का फरमान है जेड़ा अपनी अल्लाह को मनवावना चाहता है और राती जाग के मनवा गिंदा है जेड़े चुप कर गए गलत आखम तो उठी खड़ो वो जी वो कोई तो उठी खड़ो वो गलत आखम तो उठी खड़ो वो सही फरमाया जेड़ा मनवावना अल्लाह को मनवावना चाहता है और राती जाग के मनवा गिंदा है क्यों सुनते पे हो या नहीं मैं आदर आंदा मुसल्ले ते बह के चौदह का वास्ता दे के अपनी जितनी दुआई ही नहीं मनवा की दिया कर मनी जो ही भी बंदा की समझ नहीं आती जिथो नहीं मंगना उतो वला वला मंगते जिथो मंगना उतो मंगते ही नहीं चौदह के दर तू मंगा कर वला कह बह दर ते कोई इंज करना पवे मैं हुसैन का जाकिर ही नहीं तवज्जो है गल मैं उ करनी है जी अगे आखी खड़ा रोटी भी तेरे बस ही अपने आप को एक रोटी का आदि कर एक रोटी सुबह एक शाम भावें बंदा अठ रोटी खाँदा है
हिक दा आदि कर। इवें पंची दिहाड़े औखा थी से, छीवें दिहाड़े हिक रोटी तो हिक लुकमा उते न खा सकते, उंदा तो आदि थी वैसे। खवाए अपनी मर्जी ते बोलो तो सही खुदा, मैं हुण ई तपाबंदी नहीं लई जो भाई तुसां नहीं सोना ना, नहीं सोना ना नहीं चाहे मौला अली अलैहिस्सलाम, जिवें सोना ना है वो नारा लाओ अली अलैहिस्सलाम। जुमला मैं वो आखना है जेड़ा 15-20 मिनट पहले आखे मूं वो हुणा दा पियां रुख बदलेंदा पियां, तवज्जो है या नहीं? सवाल ही क्या है? रोटी रोटी हिक ही दे सकते हैं, लूही दे सकते हैं, उठ मुकम्मल पर देना ठीक है खत्म, इवें नहीं। ऊ मंगी है रोटी है, मौला दीती है 400 उठ दी कतार, ये फर्क कितना है? सवाली दे सवाल कितना है? मेरे मौला दी अता कितनी है? आखे रोटी मौला दीती 400 उठ दी कतार दे के पया दे, जेड़ा सखी हां मी मंगई कह नहीं मेरे को, क्या सखावत है मेरे मौला अली दी? सखावत को नहीं पता अली कितना सखी है, बहादुरी को नहीं पता अली कितना बहादुर है। कोई सुन दे पाओ या नहीं? ये जेडे रोड बने ने, सब तो पहले मौला अली अलैहि सलाम ने सड़क बनाई, ये साइन बोर्ड जेडे हैं मेरे मौला अली अलैहि सलाम सब तो पहले ईजाद किए। मेरा मौला वजनी पत्थर चाके जेड़ा हिक पत्थर बंदे को नहीं चवींदा, मौला त्रै त्रै पत्थर चाहते हैं, दो पत्थर चाहते हैं तो त्रीजा पत्थर इतना वजनी है जब कोई बंदा चाह नहीं सकता, त्रीजे पत्थर को जमीन ते रख के मेरे मौला उको इवें घिन वेंदे हैं मंजल ते जिवें बच्चे फुटबॉल खेलते, चौक दे विच वजनी पत्थर रख के उत्ते मौला अली अलैहि सलाम लेते हैं, फलां शहर ही पास इतने मीले इतने फरसाखे, कोई जागदे पियो या नहीं? ये मस्जिद के भी जेड़े चाट बनते हैं सब तो पहले मौला अली अलैहि सलाम बने, ये यकम तो त्री तक नहीं है तले तुम अफतारियाँ लिखेंदे हो, ये सब तो पहले मौला अली अलैहि सलाम। रमजान का चंद देख के पुत्र को आखा नहीं थी बह थी तो लिख, यकम तो त्री तक डेटें लिख जा, बेणी बेरावान दे ना ही लिख जा, जिन्हें है की थी वत मेरा मौला फरमाते हैं सब तो पहला ना अपना लिखें, अपने बाद गरीब बेरा का ना लिखें, समझ गए रुख बदल गया। मैं मौला अली अलैहि सलाम दे त्रै मजल संपड़दा रहना, जै बंदे दे निकाह मेरे पास है मैं सदके थी पवां, लिखीज गए मेरा मौला दे दे रहे, एक भी तक कलम पहुंचा ते पुत्र दा हाथ नाप के आ देने बस, फिर उदे चेहरे दी तिलावत करके आ देने बाबा जान जा तो 9 रोजे बाकी हिन। मेरा मौला फरमाते एक भी तक सहरी इफ्तारी मेरी मर्जी नाल करो, चाह कोई करन देवे तो ईद अपनी मर्जी ते करे, जे को है नहीं आंदी बंदा ना करे, जेडे रोंदे पे हुए बंदे मेरी गल समझाए। मेरा मौला फरमाते गल याद रखा है सहरी इफ्तारी कट्ठी करनी, मेरे सामने सहरी इफ्तारी करे सो मैं तुहाको देख सा, नहीं समझा सही? ये बंदा वो गाल करेंदे जैके नहीं वंजना होवे, बंदा कहीं वह प्या दे नहीं यार थोड़ी देर तो सारे नाल बह बजते। मेरा मौला फरमाए तुसा सहरी इफ्तारी करे सो मैं अली थोको देख सा, जै बंदे दी निगाह मेरे पास 18 दी दीगे रहे तो 19 दी रात लांदी पई है, धियां पुत्र हर कें को प्यारे होंदे ने, शरीफां को धियां ढेर प्यारियां होंदियां ने, जदा मैं जुमला आखां दे नाल हथ बन के आदा रहंदा शबीर दा ज़ाकिर हां सैयद हां तेरा मेहमान हां, धियां दा हक न खावे, धियां को हक दिता कर जे है नहीं की थी मर्जी कर भाई, जेडे बंदे मेरी गल सुनदे पए पुत्र मालिक होंदे ने धियां मेहमान होंदियां ने, अगर पुत्र मजदूरी करे तो कोई आए बनाई, धी मजदूरी करे तो शिकायत है, धियां दा हक दिता कर, धियां सारियां प्यारियां होंदियां बे औलाद बहु प्यारी होंदी है, तेरी सोहनी है तो तसलसल मेरे नाल चलता पे, बे औलाद धी ढेर प्यारी होंदी। मेरे मौला अली इहो टाइम धी दे दरवाजे ते खड़न, उस धी दे दरवाजे ते जांदी औलाद कोई नहीं, इवें दरवाजे ते खड़न धी को पता कोई नहीं जो बाबा मेरी दुआ सुनदा खड़ा है, मेरे पास लिखा है परेशान न कराए मैं को, दरवाजे ते खड़ो तेन धी को नहीं पता, धी दुआ बैठी मंगदी पी सुनता खड़े, आदि बैठी तू अला कुल्ले शैन कदीर है,
तो कादेरे मुतले के तो जीवे चाहे कर सकते हैं कहें को पुत्र देवें कहें को धिया देवें कहें को जायदाद देवें तो औलाद न देवें कहें को औलाद देवें तो जायदाद न देवें तेरे अपने फैसले जिमें चाहे तो कर सकते हैं। मैं आ खाली वली माँ दी धी अल्लाह में को पुत्र न देवें आ मेरी एक धी हो वे आ जेड़ी हुण बाबे जान कुर्बान के आख्या नाना आज अफतारी सारे कुल करो जी बाबा मैं नौकर मैं लख लखवारी बाबा लखवारी आखा आज अफतारी सारे कुल करो तुसा सुन के रोने हो मेरा मौला नहीं रोना इवें आए जिमें तस्सा पानी दवादे जी दा सर चुमक्या दे रो नहीं अफतारी तेरे कोल बाबा मेहरबानी फरमाइंदे सिर्फ अफतारी नहीं सहरी भी तेरे कोल वत फरमाइंदे सिर्फ सहरी अफतारी नहीं ये जड़ी हजार रकत नमाज पढ़दा अपने मुसल्ले नाल मुसल्ला विछावे पीऊ धी सारी रात नमाज कट्ठे पढ़सू हुण राजी है बाबा मैं राजी मेरा अल्लाह राजी मैं लखवारी आखा बाबा मैं थोड़े टाइम ही ज्यादा सुनावना चाहना जै बंदे दी निगाह मेरे पासे बाबे नाल गल करके वत ऊं भेण को लईए जो को शाम वाली सहणा दे है भेण दे करीब आके आ दिए बाबा अज साडा मेहमान है बाबा जान अफतारी साडे कोल करे सन वड्डी सहण उठी शाम वाली सहण भेण को बोसा दे के आ दिए बाबा अगर साडा मेहमान है ना भेण वत मेरी गल सुन ए दस्तरखान मैं लैसा ए खाना तैयार मैं करे सा ए दूध तैयार मैं करे सा शरबत तैयार मैं करे सा जड़े हाय आदे पे और छोटी सहन आदि थे मैं बीबी आदि है बात तेरा सिर्फ यो कुछ कम है तू चाह के देवे जो मैं कुछ शर्म आदी है जैसे जिगर चो है निकली हो वो मैं कुछ सावे जड़ी बाबे नाल नहीं लें दी छतरी बाजार च यो हिको बहन करके आदि चादर दे ओ मैं वड़ी पर्दा दारा जी बाबा मैं नौकर में लखवारी अकस मैं लखवारी सही आदा बीबी थोड़े तराजी होवे जेड़ा बंदा अज्जा नहीं रुना झोलियां वधावे जी जी मैं नौकर सही जी बिस्मिल्लाह मैं लखवारी आखा अच्छा बाबा चले लफ्ज आखा चा पिछले दफा जेड़ा मैं जवारी ते गया शाम उतो मैं ये गल की थी मैं एक जुमले ते भाई रावल मैं ई जुमले ते सही मैं बहु रोना उतो नमाज दे वेले वंजींदे हरम तकरीबन कोई ज्यादा देर बांधे कोई थोड़ी देर बांधे नमाज ले तो हर कोई वेंदे मैं अजान ले जेड़ा वंजा ना सही मैं उतना अजान ते रोंदा जने भी बंदा दाखिल थींदा पियो ने ते पर आवाज आंदी अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन मैं आदा वाह अली दीदी यजीद दे शहर ते अली अल वलीउल्लाह जी बिस्मिल्लाह जी बाबा मैं नौकर में लखवारी बाबा मैं रोंदा आंदा हमी मौला दा सोणा मदाय अबरार हुसैन शाह सहीवाल दे उन्ने मैं को आखे बाबा तो असा जाकिर जेडे वेंदे है ना मैं कुमाला की कसम है जेड़ा उत्थां वंज रोंदा ना उंदा इत्थां दिल नहीं भरींदा ओ जे तक कुडे न वनी हुंदी निबदी नहीं असा जाकिर उता हिक बे कोल पुछदे बे तू केड़े लफ्ज को रोंदा वदा होवे ओ त हिक बे कुडे सहने असा उना कसे क्यों वदे रोंदे मैं के यार असा ही गरीब घर दे बंदे देहातां दे रहण वाले सब को वेले याद हैं गरीब बंदा दा कम होंदा कहीं कोल कोई शे मंगणनी अज मंगणनी ते आखणा कल वला देसू ई गरीब लोगां दा कम है एडी तो गरीब थी गई अली दीदी बीबी आदि चादर सारी न दे बस इतनी दे मैं बाजार लंघ वजा मैं तक तो वापस कर दे मैं खाली वली माँ दीदी मैं वही परदादार जी जी सही मैं नौकर में लखवारी आखा है मैं सदके थी पवा जितने बंदे रोंदे पे हो गैरत आलो धीआं दा मेहमान बना मेरा मौला धीआं दे मेहमान बने मेरे मौला ने दिठा बेटा थोड़े बाबे इतनी चीज़ा ना रोज़ अफ्तार ढेर कड़ा नहीं किया बाबा थोड़े मिजाज को देख के थोड़ा खर्च किया से सही फरमाने अजा भी कुछ चाह गिनो छोटी सहन नमक चावन लगे फरमाए रखो चाह ये दूध चाह गिनो जो सवेरे मेहमान ही कामने या कुछ समझ आइए ऊँ हाई की जी बाबा मैं नौकर लखवारी आखा बीबिया दी बाबा थोड़े मेहमान वास्ते दूध काफ़ी मेरे मौला फरमाए रखो चाह मेरे मौला अफतारी की थी ये जुमला छोड़ेंदा पिया जो रात दे ख्वाब कहीं कहीं डिठे ते क्या डिठे ये छोड़ दिते मेरे मौला नमाज पढ़ी हजार रकत नमाज धी दे नाल सुबह दी सैरी की थी समझ गए हो सुबह दी सैरी करके मेरा मौला टुरन मस्जिद आले पासे ये चंगी हैं चंगे रिवाज जड़े हैं उन्होंने कुरैज करो ये जड़े बुजुर्ग वड्डे थोड़ा हक बनता है ये शहरों के विच चीज़ा मुक गई हैं भाई बुजुर्ग गुटुरे तो छोटे पिछू टुरन कोई नहीं मैं को कहीं वे शहर च दिखा
बंदे जितना अफसर बैठे लत लत चाड़ी बैठे ये केड़ी तहजीब है। मेरा मौला फरमाते हैं लत लत चाड़ के बावन नाल जिंदगी घटती है। चीवा आका फरमाते हैं दूजी गाल है कि इंदे च कोई इज्जत कोई नहीं। एक पैर ई करके कि बैठे बह दे कपड़ा ते पैर लगता पे। मैंने 14 जद नहीं बावे ना मेरे सरदार 12 इमाम नौकरां दे विच बावे ना ते इवें बांधे जिवें नमाजी तशहुद ते बांधे। मेरा काम दसना है प्रैक्टिकल करावण मेरा काम नहीं तवज्जो है जा नहीं। और धियों को तय दसना है जो पर्दा किवें करना है। शहर ते बुरका मुक गए दुपट्टे ही कोई नहीं वो किया शहर है। जै बंदे दी निगाह मेरे पास तू धी को दसा जरा धी छोटी हो ते चादर करण के काबिल थी वे भावे 5 साल की हो 4 साल की हो धी दे मुताबिक छोटी जी चादर बनवा के उन्हें सर ते पावे तो कुहान ना ला के मत्था चुम के आखें तेरी नहीं ये चादर उन्दा सदका ही भी जड़ी छतरी बाजार च मंगदी गई है ते को परदादार बना गई है। जी मैं नौकर बाबा मैं लखवारी अक जेडे बंदे रोंदे पे हो ये अगर कोई धी इवें करें दी है तो ठीक नहीं करें दी तो इवें करे। मेहरबानी जनाब प्यू घारी चावे धी दहाक के प्यू को दरवाजे तक पहुंचावण वे। मेरी छोटी सेना दी मेरा बाबा एक नींच भावे जितने दफा घर आवे ना ते वत वापस मस्जिद वंजे ना मैं दर तक पहुंचावण वे। बीबी आदि मैं जो धी हम अगे कलाहानी में डिठा तो हूं देख के ना चेक चेक कराए जिड़िया धीया होंगे ना वो प्यू नाल अलेंदिया थोड़ा ना मुंह तो ढेर दे दिया जरा प्यू धीऊ तो देखसी धी जमीन तो देखसी जरा प्यू आसे पासे देखसी धी प्यू दे मुंह तो देखसी। बीबी आदि मैं बाबे नाल हमेशा जो एक दिहाड़ी कई दफा दरवाजे तक आंदी हम। बीबी आदि मैं हमेशा बाबे नाल टुरदी हैम अज मैं बाबे दे पिछू टुरदी आंदी हाँ उन्नवी माह रमजान की सुबह को मैं पूरी तवज्जो नाल डिठे मेरे बाबे दी वो टोर नहीं। बीबी आदि मेरा बाबा कदम चेंदे वत सजे खबे दे दे। बीबी आदि ऊं वेले मेरे साह मुकदे हैं जेडे वेले सारे घर दे पालतू जानवर बदखा आके मेरे बाबे दा राह रोके ते चीखा मारनिया शुरू कीतिया ने। मैं के बाबा तू इमाम है इन्हां दी बोली जान दे मैं को दसा सकदा है की आदी हैं। बाबा रो के आदे मैं को आदे आज दी नमाज दिया नाल च पढ़ बैर नमाज। बाबा मेरा दिल पिया दे आज दी नमाज घर पढ़ मैं रात नाने को रोंदा दिठा है मेरी माँ दे वाल खुले हुए हैं। बीबी आदि मेरा बाबा टुर पे दरवाजे दे करीब आ गए दरवाजे दे करीब। बीबी आदि 4 कदमा दे फासले ते हमेशा बाबा आदा अल्लाह हाफिज। बीबी आदि जितना अल्लाह हाफिज में कुआ देन आज नहीं ने आखा। बीबी आदि अगी रोंदी वदी हम वत ज्यादी रुनिया आज रूटीन तब्दील है अगे इथा आ देन अल्लाह हाफिज आज 4 कदम अग लगे गए। मैं दुआ पे मंगना इंशाल्लाह कोई धी पीऊ को रोंदा ना निके पुत्र बदला गिन सकदे धी नहीं गिन सकदी धी वास्ते ही तो वड़ा औखा वक्त को नहीं होता जब प्यू को रोंदा धी देखे। जै बंदे दे निगाह मेरे पास बीबी आदि मैं तो सुचेंदी पई हम जो बाबे अल्लाह हाफिज नहीं आखा। बीबी आदि मैं मर वन्या ये मंजर मैं न देखा अल्लाह हाफिज आखन दी बजाय अचानक बाबे दुहे भाई मेरे गल चुपा दिए एडा रुन मेरा बाबा अली जो दाढ़ी हंजू नाल पुस गई है। मैं खनरो मेरा शेर बाबा बाबा धीया दे सामने ही में नहीं रोविंदा जीवे तू वेण। जी बाबा मैं नौकर जी बाबा मैं नौकर किताब ला लिख दे रोवण दी 7 किस्म हैं 6 या 7 किस्म ठंडी आह च भरो इक रोवण च गिना वेले मुंह जी शक्ल च बनाओ इक रोवण च गिना वेले है च आंखो इक रोवण ही शुमार कीता वेले। मैंने देखण च कोई बंदा इतो खाली नहीं वलदा है त निकल ही वेंदी मोमन दे मुंह चो इवें है। बीबी आदि बाबे बही जुदा की थी बाबा मैं को दीवार दी टेक लग गई मैं खड़ गई मेरा दिल आधा ही बाबे को न मंजा देवा लेकिन मेरे हथ ताकत को नहीं। मैं बाबे का दम नम नप संगदी मेरे बाबा जी दरवाजे तक वन के न वत वल लैन ये इतों है ना निकले तो मैं हुसैन का जाकर क्यों हाँ इवें वल लैन। बीबी आदि बाबा मेरे मुँह तो देख के आ दिन मैं अजान देता पी हाँ तो इतना न खड़ो ऊँ कमरे च वन जितना वही भेन बैठी आ लिया उखो आख बाबा पे याद आई मेरी अज दी अजान कमरे च न सुने हवेली दे दरवाजे दे नाल मिट्टी ते आण बावे ते बाबा पे याद आई सिर्फ अजान न सुने मेरा लहजा पकावे मैं तो खुतबा पढ़ना पोई इवें खुतबा पढ़े जो लोगों को पता लगे अली आ गए। जी ये हुण तेरे जिगर चो है निकली जी बिस्मिल्लाह मैं नौकर मैं वेण दे करीब आ गया
इंतजार मुका देना जेडे बंदे मेरी गल सुन के रोंदे पे पौने ते मुका देवा इवें सही बिस्मिल्ला मैं रोजेदारों की एहसास है ना बाबा कोई नाराज न थी मैं उनके मुताबिक मजमून इंतजार खत्म मातमी आजादा रहा हूँ मेरा मौला दरवाजे थे धी द सलाम करके टुरन हाँ किताबों ने लिख दे हवा कोई नहीं बगैर हवा दे दरवाजा झटके नल बंद थे जिमें तेज आंधी च नहीं दरवाजे बंद थे हवा कोई नहीं झटके नल दरवाजा बंद थे एक उंगली नाल खैबर उड़ावन वाला किताब दजा मैं हाँ जिड़ा उंगली नाल खैबर उड़ाए मैं मौला की कसम किताब लिखता दरवाजा कोई लूहे का नहीं आम दरवाजा है मेरे मौला दरवाजे च हाथ पा के झटका दिता दरवाजा नहीं खुला भला दूजी दफा खोलन लगे नहीं खुला पत मेरे मौला हाथ छोड़ दिते न अखी वस पई इवें दरवाजे दो ते हाथ रख के दिन मैं कुंजन दे मैं नाराह न रोक मेरी मुक गई मेरे मौला दर जी बिस्मिल्ला मैं नौकर मैं लख वारी आखा दरवाजा अबूर करन लगे न कुंडा अबाई चढ़ गए वत मेरे मौला कुंडे को पकड़ के खड़े आ दिन मैं कुंजन दे मेरा राह न रोको मातमी आजादा रहो मेरा मौला मस्जिदी चाहे बिल्कुल वहन के करीब आ गया मस्जिदी चाहे मेरे मौला ने जिंदगी दी आखिरी अजान दी हाय जिमें अजान अली अकबर का शौक होंगे थको तो सारी सारी रात जागते हो तो आदि अजान अली अकबर सुननी है तो मोमिनों को अगर कोई दो चार मिनट नींदरी आ वे तो नाल आए बंदे को आदि जैसे अजान अली अकबर थी वे मैं कुछ जगह छोड़े जै बंद की दीद मेरे पास अजान है अली अकबर सुन दे तो अजान अली अलैहिस्सलाम दी भी हर जगह से कितनियाँ जहीं असं पढ़ते हैं मेरे मौला अली दी अजान मेरे मौला आयन मेरे मौला ने अजान शुरू की थी अल्लाह अकबर 37 मील कूफा आबाद आई कितना 37 मील कूफा आबाद आई 37 मील की आबादी के बीच कूफे का हर बंदा आद इवें लगता है अली मौला साढ़े दर ते अजान खड़ा रहा जैसे जिगर चो है निकली झोली बधा भई जै बंदे की निगाह मेरे पास है मत दूजी दफा आके ना अल्लाह अकबर मैं कुमौला की कसम है 37 मील की आबादी दे जितने बच्चे मावा का दूध पीवन आए हैं ना चीखा मार के मिट्टी ते डे पे जी बिस्मिल्ला मेरे मौला की आखिरी अजान अर्शियाँ सुनी बोलो फर्शियाँ सुनी मुहम्मद मुस्तफा मदीने सुनी जड़े बंदे वैन करके रोंदे पे हो मैं को मिंबर दी कसम है जिवे दियां सुनिए इवें कह नहीं सुनी आलिया बीबी आदिए सुन दी पई है बाबा किवें हजार पिया दे बीबी आदिए इवें लगता है मेरा बाबा रो रो के अजान खड़ा देना है बीबी आदिए मेरा दिल दे मैं दीवारा नाल टक्कर मारा जी बाबा मैं नौकर में लखवारिया था मेरे मौला ने अजान मुकई अजान मुका के मेरा मौला मस्जिद ही चाहे इब्ने मुलजिम को जगाया ने ए नहीं आखा जो तू अपना कम कर ते मैं अपना कम करा मेरे मौला ने को आदाबे मस्जिद दसेन मेरा मौला फरमाइंदे मस्जिद च नहीं समना चाहिदा याद है मैं दूर दा मुसाफिर हाँ मैं थकोया मेरा मौला फरमाए मेरो देख मैं तेरे सफरों को जान दा जी बाबा मैं नौकर आदे मेरा वाकिफ कोई नहीं मेरा इमाम आदे तेरा वाकिफ कोई नहीं हसन दे डेरे ते लगवनिया ते को अच्छा खाना मिले आ ते को अच्छा बिस्तर मिले आ याद है मैं देर ना लाया मेरे मामा दे मैं दसावा तू कितू आए ते को कहें भेजा है खंजर कितू घिदाई तलवार कितू घिदी आई जहर कितू घिदी आई गुजरी रात खंजर को गरम करके जहर कितनी दफा ठंडा कीताई मेरा मामा दे मैं जान दे जालिमा दे नहीं मेरा कोई गलत इरादा कोई नहीं इमामा दे तू चुप रहे अजय नए मने दा तो चुप रहे मैं हुक्म देवा खंजर बोले आवाज दे में थोड़ा जी आवाज आंदी है खंजर बोले मैं को मौला दी कसम जामपुर आले हूं मेरे कोल पूछो आली बीबी को अली दी क्यों सरेने आए भाई जानी वास्ते सरेने आए जेड़ा जुमला बाबे आखे वो जुमला धी आखे बाबे मस्जिद च आखे खंजर बोले अली दी धी यजीद कचहरी च हकल मार के आ दिए जे खंजर न बोले मैं कड़िया पा के क्यों आई हां बीबी आ दिए खंजर दसेसी मेरा भेरा नमाज पढ़दा रे ओ मेरा भेरा नमाजी सदके
जी बाबा मैं नौकर मैं लखवारी अखा जी बाबा मैं नौकर सैयदा बीबी थोड़े तेराजी होवे शाला दुनिया भी गमज करे न रोवो मजलूम दा गम नसीब होवे जी बाबा मैं नौकर गैरत आले उन जने मेरे आका फरमाए जो खंजर बोले ए मस्जिद गेट आले पासे भज गए मेरे मौला ने नमाज शुरू की थी वाजिब नहीं नवाफिल नमाज आई दूजी रकत दूजा सजदा आई लफ्जा दा मैं जामेना ई बेगैरत ने आस्तीन दे विचों अली दी अंधियां दी यतीमीं दा समान कढे जिन्ना बंदा है कीती ऐ बेगैरत ने इहो जे वार कीता ऐ इमामे दे नौ टुकड़े थैन जिब्राइल दा ताज ढै पे आदव दे लोगों मेरा उस्ताद मार गए अदब दे लोगो अली दी अधियां लुटिया गई है अदब दे लोगो लुट पै गई है कहना तामीर जी जी बाबा मैं नौकर में लखवारिया खां झोली मत है भाई बिलखसूस बानियान इंतजार मुकारे वहां गैरत आले आओ जीवे जीवे जिब्राइल दी मना दी सुनिए जीवे पुत्र सुनिए सारे मस्जिद आले पासे भजदे गए मैं को मौला दे पाक मिंबर दी कसम थोड़ा आवाज ले में गैरत आले उस सारे पुत्र मस्जिद आले पासे दौड़े मैं कुमाला दे पाक मिंबर दी कसम है सारे पुत्र त मस्जिद आले पासे दौड़े अली दा एक पुत्र है जेड़ा मस्जिद आले पासे नहीं घर आले पासे दौड़े मेरे कोल पुज कौन है मेरा आलम वाला शेर है अल्लाह गवाए दरवाजे ते आए जित बीबी वाल खोली बैठिया है गाजिया दे उच्चा न रोवो थोड़ी आवाज आज गैर न सुने गाजिया दे मरण तू पहले मरू ऐसा उच्चे बैण जी जी बाबा मैं नौकर में लखवारी आखा बिस्मिल्लाह बाओ जेड़े बंदे बैन करके रोंदे पे हो ये तो अलमा वाले आखे जो उच्चे बैन न करो मेरा अलमा वाला फरमाइंद जरा मैं हवेली चाया यो मंजर मैं न देखा अली दीदी मिट्टी ते बैठी थोड़ी जी चादर ढली हुई है मस्जिद आले पासे बई वधाई बैठी है आदि बैठी है मैं तो शाहिया देखणिया मी ओ मेरा नबिया दा नासिर बाबा ओ धिया परदेस च लुटिया गईया जी बाबा मैं तमो कहंदा पिया जेड़े बंदे रोंदे पे हो जी बाबा मैं नौकर में लखवारिया खां जी बाबा मैं नौकर बीबिया दिया मैं दशाइया देखणिया मी मेरा नबिया दा नासिर बाबा अलमा वाले चुप कराए सैनी को चुप कराए इंतजार खत्म भाई बीबियों को चुप कराए तसली दी थी अलमा वाला टुराए मौलाना गुलाम हैदर कल्लू साहब उन्हें तो जुमला पिया पढ़दा ओ पे फरमाने जेड़े बंदे रोंदे पे हो गैरत आले अलमा वाला टुरा बाद च पहुंचा सारा कुल पहले है जद इमाम हसन अलैहि सलाम आएन जनाब अब्बास बाबे दा सारी में झोली पाती बैठे आदे बैठे कै मारई मेरा शेर बाबा ओ मैं को कातिल दा ना दसा इनु इमाम हसन आ क्या दे बास इतना जल्दी कीवे आए आदे मौला तू सब मस्जिद दे गेट आले पासू आयो मैं गेट आले पासू नहीं आया मैं अपनी हवेली चो निकला मैं डिटे मस्जिद दी दीवार फट गई है एक काले बुरके आली बीबी है जंदे पासे ते हाथे जड़ी बई बधा के खड़िया दिए मैं दुआ क्यों मंगी है ओ बाबा बता तड़प दई बस करना चाहो अच्छा बाबा मैं नौकर चलो हिक वैन भी आकार देना भाई जी बाबा मैं नौकर हां जड़ बंदा जानी रुन्ना गैरत आले इमाम हसन करीब आए आवाज आंदी है बाबा जान हुकम मैं भुला नहीं मैं सुचेंदा नहीं खड़ा बाबा हुकम मेरा इमाम आदे नमाज दवे लई ए है बा जमात नमाज जड़ी इमाम हसन मुजतबा अलैहि सलाम ने पढ़ाई है मेरे मौला पुत्र दे पासे नल बह के पढ़ी पिछू नहीं अली मुक्तदी नहीं मुक्तदा है पासे नल बह के नमाज पढ़ी नमाज मुक्की इथे ही मुका देवा जै बंदे दी दीद मेरे पासे नमाज मुक्की सारे पुत्रों चो गर्दो हाला पे
जख्मी बाबे को चाया ने दुआ मंगी करो शाल कहेंदा कोई होए जख्मी जो थे ते पुत्र इतने हैं बाबे कुचा के तुरन वेंदी जा ते मेरे मौल तड़पण लगी है हसन अलैहि सलाम दे बाबा जरब दा दर्द नहीं सैयदा दे जरब दा दर्द नहीं मैं कुन सा चमा मनाले कौन है अदे बाबा जान माया मेरा भेरा मोहम्मद नफी है ओने जाफर है अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार है ते मेरा भेरा हुसैन है मेरा मौला फरमांदा हर कोई जवावे हुसैन ना जवावे हुसैन बाबा नाराज है मेरा इमाम आदे नहीं तू अकबर जमे ते कासिम दे टुकड़े मालिक की बात कबूल बाबा हाथ ना बनो अच्छा बाबा मैं नौकार मैं लखवारी आखा जी मैं लखवारी आखा जी बाबा मैं नौकार जेड़े बंदे है कर के रोंदे पे हो दूजी मजलिस में इतना ही मुकेंदा राना मौला अली अलैहि सलाम दी जै बंदे दी निगाह मेरे पास है जख्मी बाबे कुछ आया ने चा के तुर पैन हिक वैन उनके बाद हिक बंद अस पढ़ते आए ये पिछले साल अलामा तालिब जौहरी साहब को मैं सुने जुमला कमाल अस इवें पढ़ते हैं छोड़ तुम सारे लफ्ज एक भी दी सुबह होई ते जरा मेरे मौला दा टाइम हो गए ते सारिया धीं करीब ते धीं करीब आन तो चुप होंदियां चारिया रोंदियां नहीं थी मुकेंदा पिया भाई वैन करें दियां अलामा से पढ़ते पे हैं असा तज़ाकरी में पढ़ते हैं जो जल्दी करो हसन जी बाबा जान इन बंदा कोख दरवाजे तो हट वन मेरिया धीं दे वैन अलामा साहब आखे नहीं ओ पे फरमाते हैं मेरे इमाम आदे हसन बचरा जल्दी कर जितने साहबा हिन ते कूफे आले हिन उन्ना को खुद जल्दी करो दरवाजे दे नेड़े थी आओ आवाज आंदी है बाबा जान वजह क्या है मेरा माला फरमांदा इन्ना को आखो मेरी धी दे बहन सुन घिनो यो कूफे दा बाजार सी बाल खुले होयो से जेड़ी अंग सी चादर लियो यो हिको बन पे पढ़दा जी मैं मेरा बाबा पढ़दा हुंदा नियाज हुसैन शाह साहब जामपुर बड़ी मजल से पढ़े मेरा बाबा नियाज हुसैन शाह साहब जी बाबा मैं नो करी यो हिको बन इथे ही मुकेंदा पिया बाबे उनी इवें पढ़दे हैं इकवी दी शहादत बोलो इकवी दी शहादत तुसा मैं कुछ जवाब रहे हो जेंदे पियो को तुरिया नौ दी गुजरे किवे ईद करें ओ धिया आदि फिजा ईद दे दी मेरी सैनी गश करे तुरा हसन जो ईद पढ़ावन की ते बीबिया वीर दे गल लग गई मालिक इबादत कबूल फरमा परेशानियां दूर फरमा हाजात पूरे फरमा मुमिनीन दे दुख दूर फरमा हाजरी कबूल फरमा जिन्हां दे बेटे कोई नहीं बेटे अता फरमा जिन्हां दे हेन जिंदगी दराज फरमा कदम कदम ते हिफाजत फरमा एक बच्चा बीमार है शामे गरीबां दे निखड़े बच्चा दा सदका मालिक सेहत अता फरमावे भी अभी कोई मरीज है तो मालिक सेहत सैन दी लुट्टी झोली दा सदका अच्छा सैन दी उजड़ी झोली दा सदका मेरे भाई रावल को मालिक हयाती अल्लाह पुत्र अता फरमा मोमिन आजादार मरीज हैं भाई फरमाए दे पन तकलीफ है मजलिस दा सदका बीवी दा सदका मालिक सेहत कुली अच्छा बा अच्छा बा मोमिन आजादार कैंसर दा मरीज है मेरे मौला दा फरमान है कायनात दी ला इलाज मर्ज दा इलाज है खाके शिफा मालिक मेहरबानी फरमा सेहत कुली अता फरमा सैयदा दा सदका जितने बेरोजगार हैं मालिक अच्छे रोजगार अता फरमा सैयदा दा सदका कदम कदम ते हिफाजत फरमा चौड़ दे मनन वाले हमेशा महफूज होवन मेरे सारे मिल के अमीना खो बानियान द खर्च कबूल फरमा बानियान दे मरहूमीन दे दर्जात बुलंद फरमा सगीरा ओ कबीरा गुनाह माफ़ फरमा सैयदा दा सदका घरां दी बच्चां दी पर्दां दी हिफाजत फरमा बीबी दी इज्जत दे वास्ते इज्जत अज़ीम अता फरमा इवें मेरी सैन प्यो दे कोल आ बैठी है ना ते आधी बैठी है बाबा मैं अलैंदी हाँ मी बाबा मेरे नाल अलैंदा क्यों नहीं अगे मिन्नत करें ना वे मैं माँ दी कंड पिछों छुप पैंदी हम
बाबा मेरा दिल प्यादे अखी खोल तो सही जब मेरे इमाम अखी खोली है ना मेरा मौला फरमाइंदा है मेरी धी दू गलन दी हसरा थई एक तो अलावे हाँ वो तो बोल पई भई हसरा ते देखन टुर के दिखा इमें कुछ फासले ते मेरी सैन गई है तुसा तो छड़ी है कि अलमा वाला मिट्टी ते जान पिए बाबे दे पैरां ते हाथ रख के न टुरो हुण थक पई है जने आखे थक पई मेरे इमाम दी दिकण तो रह क्या दे कुछ घर विच टुरना सिखिया कर हिका आसिया लिया दौरे हो सकदे दौर दे विच ते को मात नाने दी टोरे सैणा खा मैं क्यों टुर सा मेरे वीर नहीं कई थोड़े जय भेण दे वीर वही अठारह हो केड़ी लोड़े जदा मेरा मन दा नाम है अली माला जख्मी सर दे उते हाथ मार के आ दे नहीं हिलनी यार जिमान ओ भिरावां दे आवेंदियां हिल तनहाइयां ढल वेंदन बखते मालिक इबादत कबूल फरमा मोमिनिन दे नेक दे पूरे फरमा सैयदा दे सदका वा दुआ मंगदा पियां बीबी दी उजड़ी झोली दे सदका भाई रावल को हयाती अला बेटा था फरमा जिन्हें दे हिन नसीब कर मेरे मालिक गमे हुसैन नसीब फरमा इस मोजी मर्ज तो हर मोमिन को बचा मेरे मालिक सारे मुल्क च अमन पैदा पेशाद जखड़ मालिक तरक्की अता फरमावे जेडे मरीज इन मालिक सेहत अता फरमावे तमाम मोमिनीन दे जितनी दिल च नेक इरादे हिन नेक दुआई मालिक पूरी फरमावे बीबी दी इज्जत दसत का मालिक इज्जत अजीम अता फरमा मुरीद हुसैन का बेटा बीमारे मालिक शिफा अता फरमावे सैयदा दा सदका जितने हथ बुलंद कहनात जितने मोमिन खाली न वलावे मेरा अल्लाह पंजा बारह चौदह दा सदका सारे हाल ते रहम फरमा लखन दी हिक्का दुआ सारे वारिस तो जहूर बेहक के सैयदा सलाम मोमिन कराम ऐलान समात फरमाओ ठीक नौ बजे तो गहन के शब शहादत दी रात है आजादारी रहवे सी सब पूरी रात करबला मोमिनीन को इल्तमास है तशरीफ गहनो मोमिनीन कल ठीक दो बजे मजलिस अजा शुरू थी वे सी जैने में पढ़ने वाले हजरात मुल्क दे नाम मर्ज़ा करीन व उलमाए कराम खिताब करवे सन